हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ को ले लिया है और मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो मैं आपको वीडियो बनाया था, जो आपने देखा होगा जरूर से, उसमें मैंने क्या कहा था कि ये वाले जो बटन हैं इनको आपको चेंज करके दिखाया था कि आप इन वाले बटन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यही मैंने उस वीडियो में बताया था। प्लस आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वाले बटन को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आपने देखा ही होगा, अगर पहला वीडियो, तो मैंने उसमें हॉट एयर गन का यूज़ किया था। वो स्टैंडर्ड हॉट एयर गन नहीं है, लगभग 1000 रुपये के आसपास की आती है, और अगर आप स्टैंडर्ड लेके आते हैं तो वो करीब करीब जो आती है वो 2-2500 रुपये के आसपास की आती है, या उससे भी ज़्यादा की आती है, क्योंकि मुझे रेट नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं एक आइडिया बेसिक बता रहा हूँ जो इतने तक की आती है। लेकिन जो मैं आपको हॉट गन गन यूज़ कर रहा हूँ, हॉट एयर गन, इससे फ़ायदा आपको ये है कि आप ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ मोबाइल के भी कंपोनेंट्स को रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं बहुत ही आराम से और बहुत ही इजीली से आप कर पाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर ब्लूटूथ का काम हो रहा है तो हम यहाँ पर ब्लूटूथ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका बटन है, हम इसको रिपेयर करके आपको चेंज करके दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर ब्लूटूथ में हमें कोई आईसी चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरे पास कोई आईसी ऐसी होनी चाहिए कि वो आईसी ही ख़राब हो, जिससे मैं आपको उसको चेंज करके दिखा दूँ। तो फिलहाल मैं इसी जो ब्लूटूथ किट है इन पर काम करूँगा। ये वाला जो ब्लूटूथ आपको दिखा रहा हूँ, इसकी आईसी पे वर्क करूँगा। कुछ दिन में मैं एकदम बढ़िया वीडियो बनाऊँगा रिसर्च करके इस पर कि ये आईसी ख़राब है नहीं है, और अगर ख़राब है तो फिर क्या करें, और ख़राब नहीं है तो क्या करें, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, मतलब जो आगे आने वाली है उस वीडियो में। तो वो मैं ज़रूर से बनाऊँगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आईसी कैसे चेंज करनी है, अगर कोई कंपोनेंट ख़राब है तो उसको कैसे चेंज करना है। मैटर ये है कि आपके पास कोई पहले से कोई ख़राब प्लेट होनी चाहिए, उसमें से आप सामान निकाल के दूसरी प्लेट में लगा देंगे और अपना ब्लूटूथ चालू कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कवर करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो चलिए, अब हम इस वीडियो को देख लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ है, हमारी जो ब्लूटूथ किट है, इसको मैं आपको एक मिनट पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसको आपको चेक करा कर दिखा देता हूँ कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो ऑन ऑफ होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ और पावर बटन, देखिए लाइट आ गई है। अब यहाँ पर मैं पावर बटन को जैसे ही पुश करूँगा तो यहाँ पर जो है ब्लू कलर की LED ब्लिंक होगी और ये तुरंत ही बंद हो जाता है। यहाँ पर वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमने अभी बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, और जैसे ही हम बैटरी इसमें कनेक्ट कर देंगे तो ये प्रॉपरली चालू हो जाएगा। हो तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन हमें बैटरी की साइड से कनेक्शन देने पड़ेंगे तो ये फिर जो है ज़्यादा देर तक चल पाएगा। तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा हमारा जो पावर बटन है वो बिल्कुल ओके है, काम कर रहा है। आगे मैं आपको स्पीकर लगा के बिल्कुल चेक कराऊंगा आवाज़ क्या आ रही कि नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। अब क्या करेंगे कि हमारा जो ब्लूटूथ है उसको यहाँ पर चिमटी की मदद से इस तरीके से लगा लेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर लगा करके दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, अब सीधा ये मेरे पास हॉट एयर गन है, जो कि इस वाला पहले वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा। हम इसे चालू कर लेंगे, चालू करने के बाद इसको प्रॉपर हीट देंगे और थोड़ा बीच बीच में देखते रहेंगे कि हमारा जो बटन है वो छूटा या नहीं छूटा, शोल्डर जो है हीट होके अलग हुआ ही नहीं हुआ। तो देखिए, ऐसे इस तरीके से मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो ये देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलीथीन है इस पर पहले से बटन लग रहा है, इसको पहले ही छुटा लें, लेकिन मैंने नहीं छुटाया, पर आप छुटा लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये बटन, ये देखिए मैंने प्रॉपर हीट दिया तो ये बटन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिलने लग गया, और ये देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही इजीली देखिए ये अलग आ गया। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने जैसे ही इसे निकाला है, इसे ही हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दूसरा ब्लूटूथ है, ये मैंने उसका निकाला है और उसका बटन ये देखिए ये रखा हुआ है, तो मैं इस वाले को इस पर रख देता हूँ, और जो इसका निकाला हुआ बटन है वो हमारे जो अभी जो हमको इस वाले ब्लूटूथ में लगाना है इस पर हमने रख दिया, और अब हम इसके कनेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको ये दिक्कत होगी कि भाई ब्लूटूथ के ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनसे हम प्रॉपरली इसको लगा दें तो हमारा जो बटन पुश करते ही हमारा ये ब्लूटूथ चालू हो जाए। तो देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने इसके कनेक्शन इस ब्लूटूथ बटन को लगा दिया और फिर मैंने इसको पावर ऑन किया तो ये बिल्कुल काम करने लगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चारों पॉइंट कौन से पॉइंटों पर लगते हैं, तो वो इंटरकनेक्टेड अपने आप में होते ही हैं बटन्स। तो वो आपको ध्यान रखना, आप मल्टीमीटर से बटन को चेक करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन से पॉइंट बटन के कहां कहां पर मिले हुए हैं। तो वो कोई टेंशन वाली बात लेने की नहीं है। यहाँ पर आपने देखा होगा जो बटन में जो होता है हमारा ब्लूटूथ का, उसके बीच में एक पत्ती होती है और दोनों साइड पत्ती होती हैं, तो वो सभी पॉइंट आपस में कनेक्टेड होते हैं चारों के चारों। और जैसे ही हम पुश बटन को पुश करते हैं, पत्ती जो लगी होती है तो वो जैसे ही उनसे कनेक्ट होती है तो हमारी जो लाइन है वो एकदम से प्रॉपर उसको मिल जाती है और हमारा ब्लूटूथ जो ऑन हो जाता है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर लगेगा, कौन सा पॉइंट कैसे नहीं लगेगा। आप अगर उल्टा निकाल लेते हैं या कोई पॉइंट इधर से उधर घूम जाते
जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने लगाया निकाला है वैसे भी लगा सकते हैं या फिर चेंज करके भी लगा सकते हैं, यानी कि दूसरे अगर थोड़ा घुमा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पुश बटन एकदम प्रॉपर यहाँ पर काम करने वाला है। तो अब हमको क्या करना है, और अगर फिर भी नहीं करता तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया घुमा घुमा करके आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को, और फिर हमारा जो ब्लूटूथ होगा, ब्लूटूथ का जो पावर बटन होगा वो बिल्कुल यहाँ पर वर्क करने लग जाएगा। वैसे जरूरत तो पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि आप जैसे लगाएंगे वैसे ही वो आपका ब्लूटूथ तुरंत ही पावर ऑन हो जाएगा जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट हमने लगा लेना है, और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो पावर बटन है उसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको शोल्डर जो एयर गन है ना उसकी ज़रूरत नहीं है, निकालते टाइम ज़रूरत पड़ती है और लगाते टाइम उसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, शोल्डर जो आयरन है हमारा उसे हमने जो पॉइंट है उसके वो थोड़े थोड़े पॉइंटों को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है कि थोड़ा सा अगर ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं है तो हॉट एयर गन से हीट देंगे और उसको एडजस्ट करके वहाँ पर सेट कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ब्लूटूथ का पावर बटन है वो बिल्कुल एकदम ओके बढ़िया जगह पर फिक्स हो चुका है। अब बस मुझे आपको इसे चालू करके और चेक करके दिखाना है, तो चलिए मैं आगे आपको इसको चालू करके दिखा देता हूँ। ब्लूटूथ को चालू करने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा बटन है पॉलीथीन वाला उसको यहाँ पर जो पत्ती होती है उसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब आपको क्या करना है कि इस पर अगर आप सेलो टेप है आपके पास में तो उसे जरूर से लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये उड़ता रहता बाद में, क्योंकि इसकी जो चिपकन होती है वो ख़त्म हो जाती है। हीट इसको हीट देने से पहले मुझे हटा देना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, लेकिन आपको ध्यान रखना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आपको इसको थोड़ा सा प्रॉपर फिक्स कर देना है, फिर मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा कि इसमें जो है हमारे जो स्पीकर है उसको कनेक्ट कर देंगे और जो बैटरी है उसको भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, स्पीकर मैंने देखिए कनेक्ट कर दिया है वहाँ पर, ये देखिए बैटरी भी कनेक्ट कर दी मैंने, ये इसलिए किए क्योंकि ये हमारा जो ब्लूटूथ है वो प्रॉपर यहाँ पर काम करने लग जाए। अब बस हमें यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है कि आपको ये आवाज़ सुनानी है कि भैया ये जो है वो प्रॉपर हमारा काम कर गया कि नहीं कर गया ऑन ऑफ। तो भैया आवाज़ थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी आवाज़ को जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है तो हो सकता है ये आवाज़ आपके कानों में चुभे। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे डायरेक्ट बैटरी से चालू करने की कोशिश करूँगा, पर यहाँ पर आपकी बैटरी जो बिल्कुल ही चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें जो हमारा जैक है उसे 5 वोल्ट की पावर दे देंगे, यहाँ पर इन कर देंगे, और फिर इसके जो पुश बटन है उससे चालू करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसे पुश करता हूँ वैसे ये ऑन हो जाता है, तो आवाज़ को थोड़ा कम कर लीजिएगा। जैसे कि आपने देखा आपका जो ब्लूटूथ है वो बिल्कुल काम कर रहा है, आवाज़ आपने सुन ली होगी ऑन ऑफ ऑफ की, तो वो थोड़ी सी कम सी लगती है आपको, लेकिन माइक नहीं कैप्चर कर पा रहा, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दी है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड की भी थोड़ी बहुत नॉइज़ आए तो भैया वो थोड़ा टॉलरेट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बटन है वो बिल्कुल ओके काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन ऑफ बटन एकदम बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत हुई आपको, मुझे कोई दिक्कत हुई लगाने में नहीं हुई या निकालने में कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं बैटरी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैटरीज की जो है वीडियो बनाऊँ, ये देख रहे हैं आप बैटरी थोड़ी फूली हुई है वो एकदम बढ़िया है बैटरी, तो इसको कैसे ठीक करें, या फिर और ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं कि हमारी जो ब्लूटूथ की बैटरी वो ख़राब हो सकती है, तो उससे हमें कैसे बचाना अपने ब्लूटूथ की बैटरी को, और उसकी थोड़ी लाइफ लाइन ज़्यादा चल जाए ब्लूटूथ की बैटरी, उसके ऊपर कैसे काम करना है, उसके लिए क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे हमारी बैटरी ज़्यादा दिन तक चल जाए, तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो फिर भी मैं बनाने वाला हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं लेनी है, ठीक है, वो प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और ऑसम वीडियो के साथ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।